गाइस कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, एंड जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट शेयर मार्केट वीडियो, सो दैट यू विल गेट अपडेटेड न्यूज़ रिलेटेड टू शेयर मार्केट, एंड आपको आइडिया हो जाएगा कि किस शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपको इन फ्यूचर अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। सो गाइज हम एक शेयर की बात करते हैं, हैवल्स हैवल्स इंडिया लिमिटेड। काफ़ी अच्छा शेयर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है इसकी। इवन आफ्टर जो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडामिक जो COVID-19 है, तो गाइज हम इस शेयर की बात करते हैं। अभी ये 670 पे अभी ये फ्लक्चुएट हो रहा है। सो गाइज इसका 52 वीक हाई देखें तो 765 का है, मीन्स कि 100 रुपीज़ डाउन आ गया है ये 52 वीक हाई से। और इसका लो देखें तो 450 रुपये के आसपास इसका लो है। अगर इसका मैक्सिमम देखें, मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम भी टोटली ग्रो कर रहा है, ये कहीं पर भी डिक्लाइन नहीं हुआ है। यहाँ पर डिक्लाइन हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल दिस थिंग, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है अभी फिलहाल देखें। इसी का ही एक ब्रांड है लॉयड, सो काफ़ी अच्छा है, एसी वगैरह बनाता है और भी बहुत सारी चीज़ें बनाता है, काफ़ी अच्छा शेयर है हेवल्स। तो गाइज इसका अगर प्रॉफिट देखे तो लास्ट क्वार्टर इसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा था, अगर पैंडामिक को लॉकडाउन को ये सारी चीज़ें देखें कुल मिला के अच्छा प्रॉफिट था। बट अगर कंपैरिजन करें लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर के साथ, बट उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट अच्छा नहीं है। सो क्यों नहीं है ये आप भी जानते हैं, क्योंकि पूरा इंडिया लॉकडाउन हो गया था जिसकी वजह से सेल परचेज मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया था। सो गाइज अगर इसका डिविडेंड वगैरह की बात करें तो डिविडेंड इसने मार्च में डिविडेंड डिक्लेयर किया था 4 रुपये पर शेयर, जो कि काफ़ी अच्छा है 4 रुपये पर शेयर, और जो कि मार्च में उस टाइम पर कोविड की इतनी गंदी कंडीशन हो गई थी, इसकी वजह से भी इसके बावजूद भी इसने 4 रुपये डिविडेंड डिक्लेयर किया था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है। अगर इसकी हैवल्स की लेटेस्ट न्यूज़ को देखें तो ये न्यूज़ हैवल्स अनाउंसेस लॉयड मार्क्स इट्स एंट्री इनटू द रेफ्रिजरेटर सेगमेंट। हैवल्स इंडिया हैज़ अनाउंस इट्स एंट्री इनटू द रेफ्रिजरेटर सेगमेंट अंडर इट्स कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड लॉयड। द कंपनी विल ऑल्सो डबल द रेंज विद एडिशनल 25 मॉडल्स बाई दिवाली दिस ईयर। द रेफ्रिजरेटर रेंज इज डिजाइन कीपिंग इन माइंड द मॉडर्न किचन एसेथेटिक्स कंबाइंड विद एनर्जी सेविंग फीचर्स दैट अडेप्ट टू द कंज्यूमर लाइफ स्टाइल एंड अल्यूरिंग ट्रांसपेरेंट इंटीरियर। इवन ट्रांसपेरेंट इंटीरियर के साथ ये कुछ रेंज मॉडल निकालेगा। इंटीरियर ऑफ द रेंज कम्स विद एन एरे ऑफ अट्रैक्टिव फ्रेश फ्लोरल फेशिया डिजाइन विद रिफ्लेक्ट रेफ्रिजरेटर्स एज अ वर्क ऑफ आर्ट दैट ब्लेंड्स योर विद योर होम डेकोर। द रेफ्रिजरेटर विल बी अवेलेबल इन कैपेसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 190 लीटर्स टू 587 लीटर्स, जो कि काफ़ी बड़ी कैपेसिटी के साथ ये रेफ्रिजरेटर निकालेगा अभी। एंड एट एन इंट्रोड्यूसरी ऑफर प्राइस रेंज फ्रॉम ₹10,000 टू ₹84,990, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज है। इवन मिडिल क्लास लोग भी इसको ले सकते हैं अपने किचन के लिए। सो गाइस काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। एंड प्लस जो आप जो मैंने न्यूज इसका प्रॉफिट दिखाया था तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है। इसका लो देखे तो लो भी काफ़ी नीचे नहीं है, 450 रुपये का लो है। सो गाइज इसको ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके और एवरेज बना सकते हैं इसको। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट। सो थैंक यू, टेक केयर।